सवाई माधोपुर विधानसभा से दानिश अबरार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर मुमताज अहमद के समर्थकों ने पुरानी ट्रक यूनियन पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। उसके बाद कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दानिश अबरार को टिकट देने का विरोध जताया और डॉक्टर मुमताज को टिकट देने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ता करीब 20 मिनट तक तोड़फोड़ करते रहे। प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस उपाध्यक्ष सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को खदेड़ा। देख सकते गर्ल्स, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। वाकई इन दृश्यों को देख के लगता है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है। जी अनिल जी, आपने विजुअल्स देखे और देखा दानिश अबरार का ये विरोध हुआ है। देखिए, कांग्रेस तो कांग्रेस, भाजपा में भी जो प्रत्याशी आई हैं, दिया कुमारी का टिकट काट दिया गया यहाँ से जी, जयपुर राज घराने की सदस्य और लगातार सक्रिय रही अपने इलाके में। उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी कर्मचारी लगा रखे थे लोगों के सवाल जवाब का, जवाब देने के सवालों के, उनकी मदद करने के लिए, उनके काम करने के लिए। 5 साल तक उन सक्रिय रही, लेकिन वो उनका टिकट कट गया है। और उसके बाद ये आशा मीणा को टिकट दिया गया। मैंने बताया कि एक आरएएस अधिकारी उनकी पत्नी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जनता कैंडिडेट आएगा कोई, राजेश गोयल का नाम मैंने आज सुना है कहीं से कि वो नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं और वो शायद जनता उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारे जा सकते हैं। तो फिर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष वहाँ हो जाएगा और नॉन मीणा नॉन मुस्लिम वोटर तो जनरल सीट है, एकजुट हो सकते हैं और एक नई इबारत वहां लिखी जा सकती है, ऐसा लगता है। वहीं आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा सवाई माधोपुर में जो प्रदर्शन हुआ। कोटा में आज फिर तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस नेता भानु प्रताप के समर्थकों ने तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंक दी, सामान उठा के फेंक दिया। वो पीपलदा से रामनारायण मीणा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में कल भी भारी तोड़फोड़ हुई थी और आज भी वहां पर माहौल काफी खराब देखने को मिला। ये जो आलाकमान है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार पीपलदा विधानसभा ले लो, चाहे लाठपुरा लो, चाहे कहीं विधानसभा ले लो, सब जगह इन्होंने पैराशूट उतारे हैं। हालांकि हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, हालांकि आप ऐसा क्यों किया, जो वहां का लोकल निवासी है, जो विधानसभा का है, उनको टिकट न दे के बाहर से आप पैराशूट लेके आ रहे हो, उतार रहे हो, और पैराशूट बड़े वाले जो छः बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई थी। वहीं जीवाराम चौधरी ने भी आज सभा की, उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं और उन्होंने आह्वान भी किया लोगों से उनको उनका समर्थन करने का। अनिल जी, ये आप सभा देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जीवाराम चौधरी के समर्थक यहां मौजूद हैं। जी, जीवाराम चौधरी वो व्यक्ति हैं जो पहले भी इनका एक बार टिकट कटा था तो इन्होंने 25,000 लोगों की सभा कर ली और उसके बाद ये निर्दलीय जीत गए। पार्टी ने नहीं, फिर भी नहीं सुनी। इस बार फिर टिकट कटा है तो इस बार भी वो उम्मीद से हैं कि जनता उन्हें जिता देगी। आज भी 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, 20,000 लोग बता रहे हैं जी। हम नहीं जानते कितने लोग थे, गिना किसी ने नहीं, पर जो भीड़ दिख रही है उससे पता लग रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग समर्थक थे, काफ़ी उद्वेलित भी हैं। और सांसद देवजी भाई पटेल का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने उनका टिकट कटाया है जीवाराम चौधरी का। तो आगे के लिए देवजी भाई पटेल भी अपनी जड़ खुदवा रहे हैं अगर वो इस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। और जीवाराम मुझे लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पहले परसों हमारी बात हुई थी, लग रहा था कि शायद नहीं लड़ेंगे,
पर अब ऐसा लग रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, उन्होंने मन बना लिया है। और जीवाराम चौधरी वो व्यक्ति है जिनको मुंबई में जो इस इलाके के बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे सांचौर के, बीनमाल और सांचौर के, उनमें वो लोकप्रिय हैं, उनमें बड़ा अच्छा संबंध है और शायद बिजनेस पार्टनरशिप भी उनकी कहीं है मेरे को ख्याल से, तो वो वहाँ से भी उनको पैसे से भी मदद मिलती है चुनाव लड़ने के लिए और लोग भी यहाँ आके वोट डालते हैं मुंबई से तो इसलिए वो प्रवासियों का जो बसें भर भर के आते हैं वोट डालने के लिए उनका भी सहयोग जीवाराम चौधरी को मिलेगा। जीवाराम चौधरी कल भी चौधरी हैं और वो मुझे लगता है कि शायद वो भी कोई गुल खिला लें।